हरि हथ सिद्ध सूरी उभा जाए साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपहारी है इनको स्वरूप जाने दावे ते भरी को भक्ति आए नमाई स्तुति को ऊंचाई है धन धन दिन नीचे गाजे सब आज भरे कर जोड़े मारे वारे वंदना हमारी है मंगल कयाए सुखे सो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ और यहाँ जीवंधर कुमार गंधर्व दत्ता गुणमाला वगैरह से सभी से मिल लिए और राज्य पद की प्राप्ति की भावना से इन्हें भी छोड़कर पुनः योजना के लिए बाहर निकल गए। ये अपन ने यहाँ दसवें लंब के अंतर्गत जो कथा चल रही थी उसे यहाँ संपन्न कर लिया था। अब उपकथा 21 से बात शुरू होगी, है ना। 21 नंबर की उपकथा से बात शुरू कर रहे हैं। जीवंधर कुमार का विदेह देश की ओर गमन 459 नंबर पेज है, 459 नंबर पेज 7 नंबर का श्लोक। इसके ऊपर की जो लाइनें हैं ये बहुत मार्मिक थी। सुखपूर्वक अपने घर में निवास करते हुए कोई मनुष्य ऐतिहासिक महान कार्य कर नहीं सकता। अरे तो अपने पिछली जो चर्चा की थी उसमें ज़्यादा विस्तार इसका किया नहीं था, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा था विद्यार्थी पंच लक्षणम, ध्यान है आप लोगों को, विद्यार्थियों के पांच लक्षण। बीच में शिविर आ गया इसलिए सब भूल गए आप लोग, 8-10 दिन पुरानी बात हो गई। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। सुना ना, ध्यान आपको माने शिक्षा प्राप्त करने वाले के, ज्ञान प्राप्त करने वाले के ये पांच लक्षण हैं। एक तो कम भोजन करे, और दूसरे नंबर पर ही कह दिया गृह त्यागी, घर में रहते हुए आप उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, या घर के प्रति मोह को त्यागना पड़ेगा, या आराममय जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। आराम 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 से नहीं हो सकती पढ़ाई, या तो आराम सुविधाएं ही देख लो या ज्ञान और महान काम ही देख लो। महान काम करने वाले लोग सुविधाओं की परवाह नहीं किया करते, यह बात यहाँ इस पिछले श्लोक के विशेषार्थ में कही गई थी। हमने पिछला देखा था और आप लोग बहुत गहराई से इस लाइन के बारे में विचार चिंतन करें, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये कहेंगे हमें कोई ऐतिहासिक महान काम करना ही नहीं है, हमें काय का ऐतिहासिक काम करना है, हमें कौन सा महान काम करना है, हमें तो चल रही है, हमारी तो जैसी चल रही है ठीक है। तो सुखपूर्वक बिताओगे यदि काल तो फिर सुख का काल यहीं बीत जाएगा, फिर आगे कहाँ जाओगे भाई। सुख का समय यदि यहाँ बीत जाएगा पूरा पुण्य कर्म का उदय, तो फिर कहाँ जाओगे ये बताओ। आपको मालूम है जिन लोगों का मरण बहुत अनुकूलताओं में बीतता है, मोटा मोटा ऐसा कहा जाता है कि इनके भविष्य में नरक जैसी दशाएं दिख रही है, पाप दिख रहा है, और जिनके अंत में कष्ट दिखते हैं, मोटा मोटा ऐसा कहा जाता है कि ये स्वर्ग में जाने वाले हैं। हिसाब ऐसा कैसे कह रहे हो आप? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को अभी आगे जाकर के पुण्य भोगना हो स्वर्गों में, तो क्या करेगा कि जितने भी पाप का बैलेंस है वो सब यही तो खत्म करके जाएगा क्या? यहाँ यदि वो पाप का बैलेंस खत्म करके नहीं जाएगा
तो क्या स्वर्ग में जाकर के पाप भोगेगा? ऐसा कैसे होगा? तो अंत समय में इसने सारे पाप जितने थे ना मोटा मोटा, वे सारे पापों को खूब कष्ट पा करके सब भुगत लिए। अब पाप का बैलेंस मोटा मोटा तो कम हो गया, खत्म हो गया, मोटा मोटा बात कर रहा हूं मैं स्थूल रूप से। और अब क्या होगा कि अब स्वर्गों में जाकर के साधनों तक वो अनुकूलताओं का वेदन करें। इसी तरह से जिस व्यक्ति को नरक में जाकर के पाप भुगतना हो, वो व्यक्ति अपने पुण्य के बैलेंस को यहीं पूरा करके जाएगा। यदि यहाँ पूरा नहीं करेगा तो नरक में काहे का पुण्य भोगेगा? फिर तो सागरों तक पुण्य का उदय तीव्र आना नहीं है। पुण्य पाप कर्म का उदय तो बदलता रहता है क्षण क्षण में, अंतर्मूर्त में, वो कर्णानुयोग का नियम है, वो परिणाम भी बदलते रहते हैं, लेकिन वो बहुत बारीक बात है। हम तो यहाँ स्थूल दृष्टि से बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए देखिए आप, ऐसे बहुत आपको प्रथमानुयोग में उदाहरण मिलेंगे। राजगद्दी पर जो मरा वो मर के नरक में चला गया। चक्रवर्ती कहाँ जाता है मर करके? बोले चक्रवर्ती मर करके नरक में जाता है, यदि वो चक्रवर्ती अवस्था से मरे तो। राज्य पद से मरे तो नियम से सातवें जावे, सातवें में, सातवें से कम की उसके लिए वो नहीं है। बड़े बड़े काम करना तो बड़ी जगह पे पहुंचता है। और यदि वो चक्रवर्ती उसका त्याग कर देवे, अब त्याग किया तो क्या हुआ, अनुकूलताओं को छोड़ दिया तो स्वर्ग मिले। और यदि अनुकूलताओं को छोड़ने पर बाहर के वातावरण से अप्रभावित रहते हुए अपने स्वरूप में लीन हो जावे तो मोक्ष चला जावे। तीन गतियां कही चक्रवर्ती की। मनुष्य त्रियंश में नहीं जाते चक्रवर्ती। क्या कोई भी चक्रवर्ती मर करके मनुष्य नहीं बनता? कोई भी चक्रवर्ती मर करके त्रियंश में नहीं जाता? वो नियम से या तो नरक में या स्वर्ग में मोक्ष पुरुषार्थ करे तो राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। बहुत आराम है। अरे क्या जीवन था साहब, क्या बिताया है इन्होंने तो ठाट बाट से, कि बेटा ठाट बाट आगे मिलेंगे नहीं, क्या जितने भोगने यही भोगने, यही यही पूरे करके चले जाओ। और कई धर्मात्मा ऐसे मिलेंगे आपको जिनके अंत समय में ऐसे पाप कर्म का उदय, क्या गुरुदेव भी उनमें शामिल हैं, बनारसी दास जी जैसे, माने जो हाथ से मक्खी नहीं उड़ा सके, अंत समय में ऐसा पैरालिसिस का अटैक आ गया, कैसी स्थिति थी। बहुत मिलेंगे इस तरह के आपको। टोडरमल जी के अंत समय में क्या स्थिति हुई, तो उन सबको देख करके ऐसा लगता है हमारे को कि ये सब ये निर्जरा करके चले गए पाप की यहीं पे। उत्तम चंद जी साहब हों चाहे ज्ञान चंद जी साहब हों, इसीलिए देखो अब समाधि पूर्वक जीवन जीने वालों की बात करो। अंत समय में जो व्यक्ति समाधि पूर्वक जिया, जिस व्यक्ति ने समाधि का काल बिताया, इसका मतलब उसने अनुकूलताओं को छोड़ा और समता भाव रख करके बाहर में आने वाली प्रतिकूलताओं को भी शांति से सहन किया, ये हुआ ना, तो नियम से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, देवगति के अंदर जाए। समाधि पूर्वक मरण क्या है, संलेखना और समाधि पूर्वक कि धीरे धीरे त्याग करते रहे, हम यहाँ छोड़ते रहे, हमने सुविधाओं की परवाह नहीं की। तो कह रहे महान काम करने वाले पहले से ही ये दिमाग में रखते हैं कि सुविधाएं हमें नहीं चाहिए। नहीं, तो सही सही बात है, दीक्षा लेगा मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ये जो काम है, ये काम करने वाला है, ये करेगा आगे। आपने तत्व निर्णय कर लिया तो हो गया, इसके अलावा और कुछ है भी नहीं अपने हाथ में, क्या बाकी फिर संयम वैराग्य ये सब सब काम तो अपने आप होते हैं, जो भी बाहर में परिस्थिति जन्य दिखाई देंगे। हमारा काम तो बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय करना ही है। टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में, 7वें अध्याय में भी ये बात बहुत प्रबलता से लिखी है कि हे जीव, तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय करना ही है, इसके अलावा दूसरा तेरा कोई काम नहीं। कि साहब क्या करें हम, आप बता दो।
हम बता रहे हैं रोजाना इतने रोज करते क्या है यहाँ पे, इन्हें फिर भी आप बता दो। अरे क्या बताएं, रोज तो बता रहे हैं, इन्हें आपने बताया नहीं कि तूने ध्यान से सुना नहीं। तो ये जो मार्मिक बात है भाई, ये बात रोज बतलाई जा रही है। आपको ऐसे लगता है हमें कुछ ऐसा बताओ कि हाथ पे हाथ धर के बैठे, हमें कुछ ऐसा बताओ आंखें ऐसे बंद करनी चाहिए, इस हाथ के ऊपर ये हाथ होना चाहिए, हैं इस दिशा में मुंह करके बैठो, नीचे चटाई हो या नीचे दरी हो या क्या हो, कैसे श्वास को ऐसे रोको, ऐसे ये कुछ बतलाओ हमारे को विधि भाई, तब तो समझ में आवे। अरे भाई जो बता रहे हैं यही विधि है, इस बात का निर्णय करना ही विधि है, इस बात की स्वीकृति का नाम विधि है, इसकी स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। स्वीकृति में पुरुषार्थ लगता है, इसमें ताकत लगती है, बात जचती नहीं है, बात जचे इसमें मेहनत लगेगी, जच नहीं रही है साहब, जच नहीं रही है साहब, जचती तो है कि तेरी जवान से ही दिख रहा है, ढीला पोला बोल रहा है, जचती तो है लेकिन लेकिन किंतु परंतु क्या करके बात बदल देता है। यह मूल बात है, प्रयोजनभूत बात, टालना चाहता है, बिल्कुल टालना चाहता है, ये गली निकालना चाहता है। अभी हम तेरे विषय कषाय की बातों की बात, कितना रस आता है, उछलता है उनमें, तो दौड़ता है वहां, तो इकट्ठा कर करके बुला करके लाता है, अकेला पिक्चर देखने नहीं जाता क्या? और यहां रोज पिक्चर बनती है तो अकेले देखते हैं क्या? बोलो आ जाओ अकेले, कोई बात नहीं, अकेले अकेले अरे थोड़ी ना चलेगा काम। आपको यदि बाहर में वातावरण अनुकूल चाहिए, क्या तत्वज्ञानमय वातावरण चाहिए, अनुकूल माने तत्वज्ञानमय, तो आपको साधर्मी तलाशने पड़ेंगे। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। देखो मार्मिक है, यदि इसके अर्थ अपने पुराने हैं, रिकॉर्डिंग भी है और वो समाधि मरण वाले शायद डाल भी दिए मैंने यूट्यूब पे, डाल दिए क्या? हाँ डाल दिए शायद, समाधि मरण पे इसका अर्थ है, इसका अलग से भी अर्थ है एक वीडियो प्रवचन में, और इसके 15-17 वो भी हैं ऑडियो भी, समाधि मरण के स्वरूप पर। इसमें बहुत मार्मिक बात कही है, ये जो कही है ना इसका अर्थ बतलाता हूँ, देखो आपको इस लाइन का कितनी गजब की बात है। वे सावधान रखे, एक आधी लाइन तो ये कही, वो सावधान रखे, और फिर पासा पलट दिया दूसरे आधी पंक्ति में, गाफिल न होने पाऊं, इसका मतलब सारी बात सामने वाले के ऊपर नहीं है, क्या सामने वाला क्या करेगा, समझाने वाले कोई भी खड़े हो पास में, मैं नहीं होने पाऊं, ये महत्वपूर्ण बात है। बताने वाले कितने भी बतलाते रहे, समझाने वाले कितने भी समझाते रहे, धर्मात्मा कितने भी निकट हो, लेकिन मैं गाफिल नहीं होने पाऊं, हे भगवान मेरी ये भावना है। और इससे ऊपर लाइन में तो गजब की बात कही, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, ये साहब कहाँ से लाए, आप आ जाओगे क्या अंत समय में सुनाने के लिए? बिल्कुल आ जाएंगे, आप बता देना कितने बज के कितने मिनट पर कौन सी तारीख को मर रहे हो, पहले से मैं तो सारा शेड्यूल नक्की है मेरा, तो आगे तक का 1.5-2 साल का एक एक दिन नक्की है कब कहाँ हूँ, तो आप बता दो पहले से ही, तो मैं नोट कर लूँगा उसमें, और क्या है क्यों साहब, जैन साहब आप बता देना मेरे को, फ़ोन कर देना। और चलो आपके लिए विशेष सुविधा, 24 घंटे पहले भी आप बता दोगे आप, तो अमेरिका में भी होऊंगा तो आपको सुनाने के लिए आ जाऊँगा, फ्लाइट पकड़ करके आ जाऊंगा। बोलो कहीं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं, लेकिन बात पक्की बताना, ऐसा नहीं हो कि मैं आऊं और सुनाऊं और आप जाओ ही नहीं मैं तो आऊं, आप अपना समय नक्की करके बता दो कि कब जाना है, तो क्या करें साहब ऐसी परिस्थिति में, धर्मात्मा निकट कहां से आएंगे बहुत अच्छी बात तो ये है,
आसपास में जो हो उनको धर्मात्मा बना लो। सबसे बढ़िया बात तो ये हो सकती है साहब, आप धर्मात्मा कहाँ तलाशने जाओगे, क्या आप किसको फोन करने जाओगे, आपको कौन मिलेगा, आप किसको बुलाओगे? ये अंत समय पूछ करके नहीं आता है, ये कह करके नहीं आता है, अंत समय कब आएगा? तो धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, ये बात कहाँ बनेगी? कि ये बात तभी बन सकती है सही रूप में जब आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ धर्मात्मा हो, आपके बच्चे, आपके बहुएं धर्मात्मा हो, आपके परिवार वाले, आपके भाई, आपकी बहन, पुत्रियां धर्मात्मा हो, क्योंकि अंत समय में वो ही रहेंगे आपके साथ। हो सकता है रात को 11 बजे आपका स्वर्गवास हो सकता है, सुबह 7 बजे हो, तो कोई जरूरी थोड़ी ना आपको कोई धर्मात्मा कब मिलेगा, आधी रात को हो तो कौन मिलेगा, तबीयत खराब हो गई है, मेरी पत्नी बगल में है तो कोई सुना देगी आपको, नमोकार मंत्र सुना देवे, कोई चर्चा सुना दे, अरे क्या आकुलता करते हो तुम, तो देह से भिन्न गया एक आत्मा हो, इतनी बात कह दे वे, तो ये तो बात अपना तो काम हो गया, और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सब काम हो सकता है, इसलिए भाई यहाँ जैन धर्म का मार्ग ये परतंत्रता का मार्ग नहीं है, ये तो स्वाधीनता का मार्ग है। क्या यहाँ किसी की पराधीनता नहीं है? आप कहाँ देख रहे हो, आप किस किस की तरफ देखोगे, आप अपनी तरफ देखो, ये कह रहे हैं। इसलिए सुविधाओं को छोड़ो, दृष्टि सुविधाओं की तरफ मत दो, क्या जो अपनी परिणति में संस्कार है उसकी तरफ ध्यान दो। अपन कहते हैं बच्चों को सुविधाएं सुविधाएं देने में लगे रहते हैं, अपन को कष्ट नहीं पावे, कष्ट परेशान नहीं, अरे बच्चा परेशान भी आएगा, बच्चा अपन तो कैसे भी जी लिए, बच्चा कष्ट नहीं पाना चाहिए, बच्चे को अच्छी से अच्छी सुविधाएं फैसिलिटी देना। सुनो, इस गलत फहमी में मत रहना, संस्कारों के बिना सुविधाएं पतन का कारण है, बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है, पोस्टरों में मिलता है, संस्कारों के बिना सुविधाएं पतन का कारण है। क्या कहाँ है आपके बच्चे पोते, बोलो पोते पोतियां, नहीं कोई बात नहीं है, वो थोड़ी ना समझेंगे, उनके लिए नहीं है वो, तो हमारी उम्र में आएंगे, तो आपकी कैसी उम्र मिलेगी उनको, क्या पता क्या होगा, क्या कौन सी दिशा में जा रहे। बच्चा बच्चा आना चाहिए घर का, क्या एक एक बच्चा आना चाहिए, हमें दिखते ही नहीं है यहाँ कोई, ऐसे दिखते ही नहीं है, या तो हमारा परिवार दिखता है या विजय अंकल का परिवार दिखता है, बस दो ही दो परिवार दिखते जहाँ सब मिल करके आते। घर का कोई सदस्य बचना नहीं चाहिए, आपका परिवार आता है पूरा, निहाली साहब तो बहुत बहुत दूर से आते हैं, मैंने आप संभालिए, आपकी जिम्मेदारी है। अरे साहब आते नहीं, अरे साहब सुनते नहीं है, सुनो भाई आप भी उनकी सुनो, होता ये है कि आप सुनाते ही सुनाते रहते हो, इसलिए उनको लगता है कि यार ये हमारे को सुनाते रहते हैं, हमारी तो सुनते नहीं है कभी, आप उनकी समस्याओं को भी सुनो, आप उनकी बातों को भी कभी कभी स्वीकार करो, तो वो भी आपकी सुनेगी, क्या भैया ठीक है ना, आएगा शुभम मेरे को पता है। नहीं इनकी तो भावना है, कहते भी नहीं, बच्चे भी अच्छे हैं, वो आएंगे कभी जब जैसा जो भी होगा, ऐसी बात नहीं, आते हैं कभी कभी, आते भी हैं, चलो कोई बात नहीं, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं आगे उपकथा 21 शुरू करते हैं, ये तो बीच में बात आ गई थी इस बात से कि सुख पूर्वक घर में निवास करना छोड़ो, थोड़ा सा आलस त्यागो, सोते रहते घर में, घर में सोते रहेंगे, 9-9 बजे तक उठेंगे, लेकिन ये नहीं कि यहाँ करके पूजन कर ले, यहाँ मंदिर आकर के प्रवचन सुन ले, स्वाध्याय कर ले, कुछ चर्चा, सोते रहेंगे, अरे गुरु इतनी जल्दी रात को तो सोते 12-1 बजे, इससे पहले तो सोते नहीं है, अब फिर सुबह उठते नहीं है, अब सुबह उठते नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम सुविधाओं में सुखपूर्वक सो रहे हो, मजे की चैन की नींद सो रहे हो, चादर उड़ करके सो रहा है। भैया सुबह उठ जल्दी, तू सुनने के लिए आ, तू मंदिर आ, तू स्वाध्याय कर और सुन, ये तो आंतरिक सफाई के लिए, बाहर से भी यदि तुझे शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए तो सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा सा घूम, थोड़ा सा टहल, सोते मत पड़ा रहे इतना देर तक, अंतरंग और बहिरंग दोनों तरफ के स्वास्थ्य की सावधानी के लिए आपको सुख छोड़ना ही पड़ेगा। एक बात और मार्मिक बात कह दूं,
जो आपके जीव को अच्छा लगता है वो आपके पेट के लिए खराब है। क्या क्या कह दिया मैंने? जो आप जीव को अच्छा, जो आपके को स्वाद के लिए अच्छा लग रहा है ना, वो स्वाद के चक्कर में आपके पेट के लिए हानिकारक है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बेस्वाद चीजें वो फायदेमंद है। करेला लो, हैं? केर, करेला, आंवला, मेथी, हैं? ये जो स्वाद में आपको ऐसे कड़वे से लगे ना, ये स्वाद, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये बात यहाँ से ऐसे लागू हो रही है, तुम या तो सुख देख लो, मजा आ गया यार खाने में, खूब मिश्री मावा खा रहा है, अब खूब घी में चूर करके बाटी खा रहा है, बेटा दिन दूर नहीं है, तेरे स्वास्थ्य का क्या होगा? तो सावधान रहे, तो वाक्य बहुत सुंदर है, जितना आप जैसा उपयोग में लेना चाहो उस तरह से उपयोग लो। सुविधाएं छोड़ करके वैराग्य और संयम अंगीकार करने की ये प्रेरणा देना चाहते हैं। ये तो क्या महान कार्य करेंगे जीवंधर कुमार, हम देखते हैं आगे। देखिए, जीवंधर कुमार का विदेह देश की ओर गमन। विदेहाख्ये ततो देशे धरण्यास्ति लपोगमां तिलकान्त धरण्याख्यां राजधानी मशिष्ठयत। वहां से चलकर जीवंधर कुमार विदेह नाम के देश में तिलक के समान धरणी तिलका नाम की राजधानी में पहुंचे। क्या? जीवंधर कुमार विदेह देश में पहुंच गए। विदेह क्षेत्र ही होगा ये विदेह देश, और तो क्या हो सकता है। और वहां तिलक के समान धरणी तिलका नाम की राजधानी उस देश की, वहां वे पहुंचे। जीवंधर कुमार राजपुरी नगरी से प्रस्थान कर एक दिन विदेह नामक देश की राजधानी तिलक के समान धरणी तिलका नामक नगरी में पहुंचे। जीवंधर कुमार का वहां नगरी में सत्कार, तो सत्कार तो सब जगह ही होता है इनका, कहीं भी चले जाए, हाँ विद्वान के भी इसी तरह से सत्कार होता है। स्वदेशीय पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। ज्ञानी है, बुद्धिमान है, थोड़ी सी बुद्धिमत्तापूर्ण बात करता है और कोई भी व्यक्ति इसका सम्मान कहीं भी कर देता है। अरे साहब हमें, अरे बाप, आप क्या परिचय, आप कहाँ से, आपकी बातों से लग रहा है आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, तो तुरंत व्यक्ति भापते हुए देने लगती है, सम्मान हो जाता है। देखिए, महिता मातुले नात्र विदेहादि भूजा भागिने महाभावो मैयाम के नन मैयते। यहाँ विदेह देश के स्वामी राजा, इनके मामा ने इनका बड़ा आदर सत्कार किया, भांजा है आज तो क्या। निश्चय से पृथ्वी में भाग्यशाली बहन के पुत्र अर्थात भांजे का कौन आदर नहीं करता। क्या आपकी बहन के पुत्र आपको बहुत प्रिय होते हैं, और बच्चों को भी मामा बहुत प्रिय होते हैं। क्या मामा को भांजे और भांजियों को मामा, ये बहुत प्रिय होते हैं। और उसमें भी भांजे यदि कोई योग्य हो तब तो मामा का स्नेह बहुत ही बढ़ जाता है। भांजे यदि किसी पद पर हो, महान हो, तब तो मामा बहुत प्रेम करने लगते हैं। क्या शकुनी मामा जैसे, सारे मामा शकुनी नहीं होते भाई, यहाँ जीवंधर कुमार के मामा तो बहुत विशेष हैं और भाग्यशाली भी हैं उनके भांजे। सरल अर्थ देखिए, धरणी तिलका राजधानी में विराजमान राजा गोविंद राज मामा थे, हमें मालूम है, पहले आई थी चर्चा, जो जीवंधर कुमार के मामा हैं उन्होंने जीवंधर कुमार का समुचित आदर सत्कार किया, क्योंकि दुनिया में भाग्यशाली भांजे का सभी विशेष आदर करते ही हैं। विशेष अर्थ, लौकिक व्यवहार में भांजे का सर्वत्र आदर सत्कार होता ही है।
यदि भांजा विशेष भाग्यशाली हो तो उसके आदर सत्कार में विशेषता आती है। जीवेंद्र कुमार युवा थे, विद्वान, विचारशील, अनेक विद्याओं के धनी, कामदेव तथा तद्भव मोक्षगामी जीव हैं। अतः मामा गोविंद राज द्वारा उनका यथा योग्य विशेष आदर सत्कार किया जाना योग्य ही है। देखिए आगे, गोविंद राज का राज्य प्राप्ति में सहयोग। अरे रे मामा है, मामा है, और अपनी बहन का राज्य था। इसकी जो बहन है वो महारानी थी विजया, और जीजा जी को मार दिया, अब भांजा है, राज्य तो मिलना ही चाहिए। आसीत गोविंद राजोपी तद्राज्य स्थापनोद्यत स्वयं परिणतो दंती प्रेरितो न्येन किं पुनः। इस जंगल में चली गई थी ना, जंगल में चली गई थी, बच्चा था, चला गया था, और काष्ठांगार को पता लग जाता तो आकर के मार देता इनको, और बचती रही, और ये भाई के ऊपर बोझा बन करके रहना नहीं चाहती थी विजया। भाई कोई भी बहन ये नहीं चाहती है, मैं जाऊंगी तो फिर उन्हीं के रहनी पड़ेगी। और देखो दूर रहते हैं तो प्रेम रहता है क्या, नहीं तो भाई कितना भी प्रेम करे, भौजाई जो है जो माथे पे 3 साल पड़ जाते हैं उसके, ऐसे तो नहीं पड़ते, 1-2-4 दिन की बात नहीं है, लेकिन परमानेंट ही आकर के रह जावे तो फिर तो स्वाभाविक है, परमानेंट आकर के रह जावे तो फिर बनती नहीं है बात। 2-4 दिन के लिए आओ, मेहमान जैसे आओ, 10 दिन के लिए आओ, 15 दिन आकर के रह गए कोई बात नहीं चलेगा, नहीं आपका स्वागत है, खूब हिंद करके रहेंगे, खूब खिलाएंगे, रखेंगे, ध्यान रखेंगे आपका, लेकिन वो आगे बच जाओ, घर पे कब्जा जमा लो तो फिर नहीं जल चलेगी बात। वो जानती थी रानी विजया, पीछे इस प्रकार की बातें कही भी थी कि वो अपने भाई के यहाँ क्यों नहीं गई, ऐसे भी नीतिकारों द्वारा बात कही गई थी। फिर उसमें समझाया गया था ये कि भाई देखो समझदारी इसी में है, ये दूरी रहो, और फिर उसको काष्ठांगार को पता लग जाएगा तो वो हो सकता है फिर वो गोविंद राज के ऊपर और आक्रमण कर दे, उसकी लाइफ और डिस्टर्ब हो जाए। करता ही वो तो कि भाई वहां पहुंच गए, अच्छा, और बच्चा है इसके, बच्चे को भी जन्म दे दिया है, आगे ही आकर के राज्य नहीं मांग, कुछ नहीं नहीं होना चाहिए, तो बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि से भी उसने ये काम किया। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या क्या बातें कहते हैं, सब बातें कहेंगे, ये गजब की बातें कह रहे हैं। देखो गोविंद राज भी जीवेंद्र कुमार के गए हुए राज्य को फिर से स्थापन करने के लिए तैयार हुए। निश्चय से अपने आप ही दंत प्रहार करने वाला हाथी यदि दूसरे से प्रेरित किया जावे तो फिर कहना ही क्या। मैंने कह रहे हैं कोई हाथी अपने आप ही किसी को प्रहार कर रहा हो, दांतों से उछाल करके फेंक रहा हो, अब किसी के द्वारा उसे और प्रेरित कर दिया जाए, छेड़ दिया जाए, फिर तो बात ही क्या है। कहना ये चाहते हैं कि राजा गोविंद राज उसके तो मन में खुद की ही ये चलती थी तो, और फिर जीवेंद्र कुमार और आ गए और इन्होंने और विचार विमर्श किया होगा तो फिर कहना ही क्या, फिर तो बात पक्की हो गई कि अब तो बेटा मिल करके करना ही है ये काम, चिंता मत कर, मैं तो खुद ही सोच रहा था। राजा गोविंद राज भी जीवेंद्र कुमार को राज्य दिलाने के लिए विशेष प्रयत्नशील हो गए। वैसे तो हाथी स्वभावतः स्वयं ही अपनी सूंड और तिरछे दांतों के प्रहार से वृक्ष आदि उखाड़ने में तत्पर रहता है, उस पर भी यदि उसे कोई उत्तेजित करे तो उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है। मदोन्मत्त हाथी के समान राजा गोविंद राज शक्तिशाली तो है ही, वह स्वयं अपने प्रिय भांजे जीवेंद्र कुमार का राज्य दुष्ट काष्ठांगार से छीनने के पक्ष में थे ही, स्वयं ही इस पक्ष में थे कि वो काष्ठांगार से वापस राज्य छीन ले। जब जीवेंद्र कुमार ने उनसे अपने राज्य की प्राप्ति के लिए सहयोग की अपेक्षा की तो वे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुरंत तैयार हो गए। राजा तो चाहिए, सेना चाहिए, अभी वो भी तैयार हो गया है, ससुराल वाले भी तैयार हैं सारे, जिनको सिखाया था ना धनुर्विद्या वगैरह में सब निपुण किया था पीछे,
वो भी सब तैयार है, दोस्तों की तैयारी हो गई है पूरी, और ये राजा गोविंद राज जो मामा है ये और मिल गए हैं, पूरी की पूरी रणनीति तैयार हो रही है, युद्ध की सेना तैयार हो रही है, भविष्य में सफल होने वाले कार्य में सहयोग करने की भावना सबकी सहज ही होती है। देखो आप कहते हैं ना, डूबते को कोई सहारा नहीं देता है। क्या तैरते को सब सहारा देते हैं, जो जो सफल हो रहा हो उसके सब साथी बन जाते हैं, जिसकी नैया डूब रही हो सब दूर हटते चले जाते हैं। ये जीवनधर कुमार सफल हो रहे हैं तो धीरे धीरे सफलता में सब साथी बनते चले जाएंगे। आप देख लीजिए, आप यदि सफल इंसान हैं, आप यदि सफल व्यक्ति हैं तो सब आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और आप यदि असफल हैं तो सब साथ छोड़ देंगे, ऐसा ही होता है। देखिए इस न्याय के अनुसार जीवनधर कुमार अपने पिता का राज्य प्राप्त करने में सफल होने वाले हैं, यह जानकर भी राजा गोविंद राज ने सहयोग करना प्रारंभ किया। अब ये ऐसी बात और कह रहे हैं, नहीं तो मामा भी मुंह फेर रहे थे क्या भाई साहब, उसको दिख रहा है बहुत होनहार है, योग्य है, और ये लेगा, प्राप्त कर लेगा। हाँ मैं तेरे साथ हूँ बेटा, करेंगे भी सहयोग। जिसका पुण्योदय रहता है उसको सब लोग सहज सहयोग करते हैं। वास्तव में सारा खेल तो उदय का है, पुण्य पाप कर्म के उदय का खेल है भाई साहब। सारी गणित घूम फिर करके यहाँ आकर के आ जाती है। ये वस्तु स्वतंत्रता का विचार करो, क्रमबद्ध का विचार करो, या फिर ये उदय का विचार करो, इसके अलावा चौथी बात मिलेगी नहीं आपको। पुण्य का उदय, बस ये उदय जिसका अच्छा है, अब उसको क्या चीज चाहिए बतलाओ। सारी अनुकूलताएं मिल जाती है, जहाँ उदय अच्छा है वहाँ सब अच्छे हैं, जहाँ उदय खराब है वहाँ अपने बच्चे भी खराब हैं। हाँ शरीर काटने को दौड़ता है, लेटता है तो लेटा नहीं जाता है, कांटों की तरह बिस्तर छुपते हैं। पाप कर्म का उदय हो तो सब तकलीफें ही तकलीफें संकट दिखाई देते हैं, और पुण्य का उदय हो तो फिर सब अनुकूलताएं हैं। पुण्य का उदय हो तो सब लोग सहज सहयोग करते हैं, अपने आप ही ऐसी स्थिति बन जाती है। देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष बात आई नहीं, जहाँ कुछ विशेष आएगी नहीं रुकेंगे, बढ़ते चलते हैं। राजा गोविंद राज का राज प्राप्ति हेतु विचार विनिमय। मंत्रिभिर मंत्र शालायां मंत्रयामास मंत्रवित् नैय मंत्रं विनिश्चयम् निश्चिते च न मंत्रणम्। मंत्र के जानने वाले राजा ने मंत्रशाला में मंत्रियों के साथ सलाह की। कैसे अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, मंत्र के जानने वाले मंत्रशाला मंत्रियों के साथ सलाह। निश्चय से विचार विमर्श बिना किसी भी कार्य का निश्चय नहीं करना चाहिए, और विचार विमर्श करके निश्चय हो जाने पर फिर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। दोनों बातें आपके लिए गजब की बात कह दी। ये कहता हूँ ना मैं बार बार, ये नीतिकारों की नीतियाँ दे दे करके आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते रहते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते रहते हैं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कोई भी काम करो विचार करके करो, कोई भी काम करो आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके करो, विचार विमर्श करके निर्णय करो। बिना विचार किए हुए किसी भी बात का निर्णय नहीं। कहते ना पांच पंच मिल कीजिए काजा, बिगड़े काम न आवे लाजा। पांच पंच मिलकर के काम किया कोई बात नहीं, सब मिलकर के करो विचार विमर्श करके। और एक बात कह दी, अब निर्णय हो जावे, निर्णय कर लिया तो बोले अब विचार विमर्श मत करना दोबारा, अब पूरी ताकत से उस काम की सफलता में अंजाम दो। क्या साहब, अपन ने नक्की कर ली वेदी प्रतिष्ठा की तारीख, वेदी प्रतिष्ठा की तारीख नक्की कर ली, अब विचार विमर्श मत करो। क्या अब नहीं करना इसके बारे में विचार विमर्श, अब तो पूरी ताकत से वो कार्यक्रम कैसे सफल हो इसका प्रयास करो।
क्या ये कह रहे हैं सभी शास्त्रकार कह रहे हैं, मैं तो शास्त्र की बात पढ़ रहा हूं, दोनों तरफा बात कह दी है, विचार ही विचार मत करते रहो ये कहना चाह रहे हैं। कोई व्यक्ति साहब विचार तो करना ही चाहिए साहब, बिना विचार के काम नहीं होगा साहब, विचार तो बहुत महत्वपूर्ण है, विचार विचार विचार। तो फिर क्या सोचा आपने कि नहीं नहीं मैं विचार कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, फिर महीने भर बाद में मिले कि क्या हुआ वैसा, फिर क्या निर्णय किया कि निर्णय नहीं मैं तभी विचार कर रहा हूँ। तो विचार ही विचार करता रहेगा क्या, सब मिलकर के निर्णय करो, विचार नहीं, बहुत हो गया विचार, अब तो निर्णय का काल आ गया है। ये सिखा रहे हैं हमारे को, नीतिकारों का तो बहाना है, और बात ये कहना चाह रहे हैं तू तत्व निर्णय कर, कब तक विचार करता रहेगा। ये भेद विज्ञान का विचार तूने बहुत बार किया और बहुत वर्षों से किया, और वर्षों हो गए सुनते सुनते, अब तो निर्णय का समय आ गया है, अब देरी मत कर, अब निर्णय कर, अब डिसीजन ले कि नहीं सब निर्णय कर लिया, कि निर्णय कर लिया तो अब क्या करना है, अब दोबारा निर्णय कर लेने के बाद में विचार मत करना, क्रियान्वयन की बात कर, जितना निर्णय करना था वो सारा का सारा निर्णय विचार के काल में पहले कर लो। आपको अपनी पुत्री की शादी करनी है, विचार कर लेना पहले सब मिलकर के, पहले अच्छी तरह से कर लेना, ऐसा नहीं अब यार कर लो यार, आप तो बहुत दिन हो गए देखते देखते, अब अगली बार जो मिलेगा वो ठीक है। बुरा कह गया तो क्या कर रहा है, जो मिलेगा तो ठीक है, अब बहुत देख लिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट बार जिसका प्रस्ताव आ जाएगा, जिसका विचार आ जाएगा वो कर लेंगे। कि नहीं गलत फहमी में मत रहना, क्या बहुत अच्छे से विचार करना, अब विचार कर लिया साहब, निर्णय कर लिया, अब क्या करना, क्या अभी और विचार करो, अभी और विचार करो कि तेरे विचार विचार में रिश्ता चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, बेटा थोड़ी ना रहेगा सामने वाला व्यक्ति तेरे विचार विचार में, छूटी आएगा ट्रेन छूटी आएगी, विचार कर रहा हूं मैं, विचार कर रहा हूं मैं, क्या ट्रेन निकल जाएगी भाई साहब, ज्यादा विचार नहीं, आपके विचारों को एक तरफ धरो, विचार ही विचार करता रहेगा तो कभी भी पार नहीं हो पाएगा, ये तो निर्णय करने का समय आ गया है। हमने बहुत विचार कर लिया है, ये नीतिकार कह रहे हैं भैया अब तो तू निर्णय कर, एक बार नक्की कर क्या काम करना है। देखिए जरा क्या कहते हैं सरल अर्थ में, विचारशील गोविंद राजा, राजा गोविंद राज मंत्रियों के साथ दुष्ट काष्ठांगार से किस प्रकार राज्य प्राप्त किया जावे, इस विषय पर अत्यंत गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे, क्योंकि विचार किए बिना कोई भी कार्य निश्चित नहीं करना चाहिए, तथा विचार पूर्वक कार्य निश्चित हो जाने पर उस पर पुनः विचार नहीं करना चाहिए। क्या क्या गजब गजब की बातें कहते हैं साहब, है एक एक बात कितनी मार्मिक है। देखिए आप विशेषार्थ पढ़ करके बात पूरी करें अपन, जब तक किसी भी कार्य के संबंध में आवश्यक विचार विनिमय न कर लिया जावे तब तक उस कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा दे। अब तुम तो शुरू करो जी, विचार तो होता रहेगा, तुम तो शुरू करो, नहीं फिर शुरू कर दिया फिर उसके बाद में आप पांव पीछे नहीं हटा सकोगे, अभी तो करो आप शादी की तैयारियां तो करो आप, क्या जितना काम निपट जाए उतना तो तैयार करके रखो, आप शादी का कार्ड वार्ड को सब सेट करके रखो, बस एक इतना सा ही तो रहेगा कि नाम ही तो भरना है, नाम बाद में जोड़ देंगे और तो क्या, बाकी तो सारी तैयारी रखो, क्या और सुनो कार्ड वार्ड बांट करके भी आ जाओ सब, क्या नाम ही तो रह गया है, फिर जब आएगा तो नाम तो सबको पता लग ही जाएगा, आप तो करो तैयारी, कैसे करें भाई साहब, ये तैयारी ऐसे होती नहीं है, पहले निर्णय करो उसके बाद कदम बढ़ाओ। देखिए और जब जिस कार्य को करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित तर्क वितर्क पूर्वक निश्चय कर लिया जाए तो फिर उस पर पुनः विचार करना आवश्यक नहीं, कारण कि ऐसा करने पर करणीय कार्य के विषय में उत्तर उत्तर अनावश्यक संदेह बढ़ता जाता है और उस कार्य को करने का भाव ही नष्ट हो जाता है, ढीला पड़ जाता है व्यक्ति से,
फिर वो भावी, अरे यार पता नहीं है, पता नहीं है, फिर टल जाता है, फिर काम फिर होता नहीं है। अतः चतुर राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ चतुर लोगों की राजनीति सिखा रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब ये राजनीति सिखा तो रहे हैं लेकिन ये राजनीति का अर्थ खूटा नहीं है, ये राजनीति का अर्थ न्याय नीति पूर्वक राज्य करना, उसका नाम राजनीति हुआ करता था क्या? न्याय नीति पूर्वक राज्य होना चाहिए। वर्तमान में राजनीति शब्द का प्रयोग खोटे अर्थ में किया जा रहा है। क्या नीति ऐसी होनी चाहिए जो सब जगह खुशहाली का वातावरण बना रहे, राज्य बराबर चलता रहे, उसका नाम राजनीति है। तो ये राजनीति के लोग बतला रहे हैं। राजा गोविंद ने अपने भांजे जीवंदर कुमार को राज्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ऊहापोह के साथ गंभीरता से विचार कर कार्य योजना बनाई है। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार का आकर्षक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार, मंत्री मंत्रणा, समझिए ना, मंत्र मंत्र मंत्र, ये सब जो है ये अनुप्रास अलंकार यहाँ दिखाई देता है। चलो एक और पढ़ लें क्या? समय तो हो गया, वैसे तो लगभग हो ही गया, चलो कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन भाई विचार विचार में न अटके रहे, विचारों से आगे बढ़े, तत्व निर्णय तक पहुँचे, उस दिशा में हमारे को कदम बढ़ाए जाने चाहिए। इसका बहुत गहराई से विचार चिंतन करना चाहिए, इस बात को वेद विज्ञान तक लागू करना चाहिए हमारे को। वेद विज्ञान, वस्तु स्वरूप का विचार, जनवाणी का अध्ययन मनन खूब करो और करते करते निर्णय पर पहुंचो, और निर्णय पर पहुंच जाने के बाद में फिर विचार बंद करो, फिर तो उस निर्णय के आनंद का उपभोग करो। तो इस तरह से हम सभी तत्व निर्णय पूर्वक अपने जीवन को सफल सार्थक करें, इस भावना से बात को यही।